Hello guys, my name is Ahil Khan and I am a Mumbai based DJ and I am a very proud student of Splinter's DJ school. Ahil ji, really wonderful DJ, बहुत ही खूबसूरत DJ हो. Ahil ji, क्या कर रहे हो? Generally इतना ये player से तुम्हें प्यार क्यों है? क्या ऐसी क्या खास बात है? ये Pioneer का DDJ Vivo 2 है. ये player की खासियत है ना sir, इसका size है. Okay. देखो ना मतलब छोटा सा है. मैं कहीं भी चाहूँ ना वहाँ इसको लेके जा सकता हूँ. मैं अपने literally मैं इसको अपने bag में डाल के घूमता हूँ. Gigs के लिए भी काफी अच्छा है. छोटा सा है, compact size है. एंड लेकिन एक चीज है सर, मुंबई की भाषा में बोलना चाहता हूँ, इसके छोटे साइज पे जाना मत भाई लोग. ये छोटा है, साइज का छोटा है लेकिन धमाका बहुत बड़ा करता है. लिटरली आई यूज दिस फॉर वीडीजेइंग. वाओ, काफी छोटा है. मैं इसको अपने बैग में डाल कर, मेरा बैग, मेरा लैपटॉप अब एक बैग में आ जाता है. मुझे हेक्टिक नहीं होता फिर कुछ और ट्रैवल करने. आयल जी, इसके ऊपर इतना अच्छा तुमने प्रैक्टिस किया है और काफी तुमने वीडीजिंग किया है इसके ऊपर, ये प्लेयर के ऊपर. आने वाले दिनों में तुम काफी क्लब्स में वीडीजिंग भी कर रहे हो और मैंने देखा है 2-3 क्लब्स में तुमको ये प्लेयर भी यूज करते हुए. ओके, DJ Ahil Auchia, ladies and gentlemen, one of Navi Mumbai's finest DJ on the groove, spinning some great moves for you. DJ Ahil, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है सर. एंड काफी टाइम से लोग करते हैं, बोलते कि भाई प्ले करने हेडफोन्स चाहिए. इट्स ऑल अबाउट स्टडीइंग योर ट्रैक्स. सो दिस इज समथिंग स्टडी किया है, मुझे टेंशन नहीं है. दिस इज समथिंग रियली चैलेंजिंग. दिस गाय गोना लुक एट द लूप्स. Generally, he's gonna look at basically the player, the display, gonna mix without headphone. That's really wonderful, something which is gonna be totally different from other DJs. I'll gonna look at the beats and he's gonna the display. Good one, Ahil. Continue. The finest of the banding out here, DJ Ahil on the move. Ladies and gentlemen, Navi Mumbai is one of the top DJs out here, Splinter's DJ School. Check him out, playing his live set at Splinter's DJ School. Amazing. Good one. Mind language, body language, absolutely 100%. This DJ seems to be getting certified almost 100% to be a perfect one of the top DJs in the days to come. Check him out, ladies and gentlemen. All your Splinter's DJ from Navi Mumbai Chamber. फैन कौन कौन है? द भिखारी सॉन्ग, भिखारी सॉन्ग, बट द भिखारी सॉन्ग, बट एनीवे गाइस, दैट्स रियली वंडरफुल. आउट हियर इज प्लेइंग सम रियली ग्रूवी ग्रूव नंबर्स ओनली एट स्पिंटर जीजस स्कूल. One of Mumbai's finest artistic DJ, DJ Ahil, ladies and gentlemen, on the days to come, you can check him out. And one of the finest DJ of India, only at Splinter's DJ School. Proud to make him my student. Wonderful DJ, really proud of him. And the set which is playing is totally an awesome stress, an awesome set that is gonna really mix out live for you. Check him out, ladies and gentlemen. DJ Ahil, Mumbai ka sabse ubharta hua kalakar DJ. This is something really different he's playing for you. Energy
बना दूंगा, बार भी बना दूंगा, सोना चढ़ा दूंगा, गहना लगा दूंगा, फेमस करा दूंगा, शॉपिंग करा दूंगा, और क्या पिक्चर में आ रहा हूँ, पिक्चर दिखा दूंगा, फट 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 कुल्फा करवा दूंगा, असली रहेगा तो दोस्ती बढ़ा दूंगा, नकली बनेगा तो फिर दे Good one.
एनीवे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ. आजकल डीजेइंग इंडस्ट्री में क्या चल रहा है? ऐसी क्या खास बात थी जो तुमको ये कोर्स करने का, तुम ऑलरेडी एक डीजे थे एक 10 साल, आई थिंक सो 10 साल से तुम एक बहुत ही अच्छे, मुझे लगता है तुम अच्छे डीजे थे, लेकिन फिर भी तुमने क्यों किया, क्या प्रॉब्लम की वजह से? लेकिन मैंने जब एक चीज़ देखा कि जब तुम यहाँ पे आए थे तो बहुत कंफ्यूज थे, बहुत मायूस थे. 10 साल की डीजेइंग होने के बाद भी तुम इतने कंफ्यूज थे, मायूस थे, और यहाँ पे आने के बाद स्प्रिंटर्स में अभी जब मैं देख रहा हूँ तुम्हारी स्माइल देख रहा हूँ, इधर वाइट स्माइल देख रहा हूँ, इतने खुश हो रही हो, ऐसी क्या खास बात हुई जो तुमको यहाँ पे अफेक्ट करके दैट ब्रॉट द इम्प्रूवमेंट इन यू? सर पहली चीज तो था सर, जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था तो मैंने एज ए रोड शो डीजे मैंने स्टार्ट किया टू बी फ्रैंक इनफ, एंड वो टाइम पे कोई ट्रेन करने के लिए था नहीं, ना कोई वहाँ पर वो टाइम पे ऐसा था मेरे पास जो मुझे बता सके, कोई प्रोफेशनल गाइडेंस नहीं था. एंड उसके बाद में मैं काफ़ी क्लब्स में प्ले भी करता था, बट प्ले करने के बाद में भी मुझे वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था अपनी म्यूजिक से जो मैं मिक्सिंग कर रहा था, बिकॉज मुझे सिर्फ इतना आता था कि ये बीट है, बीट पे बीट चढ़ा दो, बस दैट वॉज ऑल वॉट आई न्यू अबाउट मिक्सिंग. उसके अलावा मुझे कुछ पता नहीं था. यहाँ पर आया मुझे पूरा हारमोनिक म्यूजिंग एंड काफ़ी सारी चीज़ों का पता चला, एंड सिर्फ मैं आया था सिर्फ डीजेइंग करने के लिए, बट सर ने मुझे बताया एंड एज पर द सिनेरियो जो अभी चल रहा है डीजेइंग इंडस्ट्री में, इट्स बोलना अच्छा भी नहीं लगता है, बट काफ़ी सारे डीजेस अभी ऐसे हो गए जो इसके उसके पीछे घूमते हैं. आप लोग समझ जाओगे व्हाट आई मीन टू से, इसके उसके पीछे घूम करके उनके नाम से काम कर रहे, बट मुझे वैसा नहीं बनना था, मुझे कुछ बनना था. इसके लिए मैंने बोला कि सबसे हटना है, एंड एज पर नाउ कि अभी के टाइम पे काफ़ी कम वी डी जेस है मार्केट में, एज पर ऑडियो डी जेस काफ़ी सारे हैं, बट wonderful said, ladies and gentlemen, that was an upcoming talent, the future India's DJ, DJ Ayle from Chamber. Ayle ji, kaisa laga? Bahut maza aaya. Aur abhi bhi sir rukne ka dil nahi ho raha tha. Itna nahi, lekin ye jo play kiya, this is something really awesome set. Main khud aise set play nahi karta hu. DJ Ahil Auchia, ladies and gentlemen, one of Navi Mumbai's finest DJ on the groove, spinning some great moves for you. DJ Ahil, kaisa lag raha hai? Achha lag raha hai sir. And kafi time se log karte hain, bolte ki bhai play karne headphones chahiye. It's all about studying your tracks. So this is something. Maine study kiya hai. Mujhe tension nahi hai. This is something really challenging. This guy gonna look at the loops. Generally, he's gonna look at basically the player, the display, gonna mix without headphone. That's really wonderful. Something which is gonna be totally different from other DJs. I'll gonna look at the beats and he gonna the display. नीचे से जाते हैं, नीचे से नहीं जाएंगे. Right slam mixing. Good, good one, I'll good one. Continue, Bajan. Continue. The finest of the banding out here, DJ Ayle on the move, ladies and gentlemen. Navi Mumbai is one of the top DJs out here, Sprinters DJ School. Check him out playing his live set at Sprinters DJ School. Amazing. Language absolutely 100%. This DJ seems to be getting certified almost 100% to be a perfect one of the top DJs in the days to come. Check him out, ladies and gentlemen. All your sprinters, DJ Ayle from Navi Mumbai Chamber. Bending.
check your mix. The Bhikari song, Bhikari song. Not the Bhikari song, but everywhere got that. That's really wonderful. Now just playing some really groovy groove numbers only at Spinter DjSchool. One of Mumbai's finest artistic DJ, DJI, ladies and gentlemen, on the days to come. You can check him out, and one of the finest DJ of India, only at Spinter DjSchool. Proud to be, proud to make him my student. Wonderful DJ, really proud of him. And the side which is playing is totally an awesome stress, an awesome set that is gonna really mix out life for you. Check him out, ladies and gentlemen. DJ Ail, Mumbai ka sabse ubharta hua kalakar DJ. This is something really different he's playing for you. तेरे आइटम के बाल खुले मैं बाल भी बना दूंगा बार भी बना दूंगा सोना चढ़ा दूंगा गहना लगा दूंगा फेमस करा दूंगा शॉपिंग करा दूंगा और क्या हाँ पिक्चर में आ रहा हूँ पिक्चर दिखा दूंगा फट 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 करवा दूंगा असली रहेगा तो दोस्ती बढ़ा दूंगा नकली बनेगा तो फिर क्या देना सारी चीजें सीखने मिला यहाँ तो लगी डेन एंड डीएनडी 4500 ये प्लेयर मैं तकरीबन मैंने 6-7 साल पहले बजाया था बट इसके पॉसिबिलिटीज मेरे को यहाँ पर आने के बाद और पॉसिबिलिटीज पता चली एंड दैट्स अ गुड थिंग कि अगर नेक्स्ट टाइम कभी अगर मुझे कुछ ऐसा हो जाए कि मुझे वो यूज़ करना पड़े तो मैं उसको अच्छे से यूज़ कर सकूँगा एंड टेक्नोलॉजी काफ़ी मतलब अप टू द लाइन है यहाँ पर बस प्लेयर्स नेक्सस यूज होता है विथ रिकॉर्ड बॉक्स एंड एवरीथिंग हमें सिखाया जाता है एंड दैट्स अ वेरी ग्रेट थिंग आयल जी अक्सर देखा जाता है कि डीजेइंग इंडस्ट्री में बहुत से डीजेस लोग यहाँ पे हमारे पास आते हैं ऐसे बहुत से जगह पे इंस्टीट्यूट है ट्रेनिंग सेंटर है ऐसे बहुत से डीजेस लोग के करियर भी ख़राब हुए हैं जो डीजेस लोग भागते हैं तुमने यहाँ पे किस कारण सेलेक्ट किया स्प्रिंटर्स को तुम्हारे पास ऑप्शन था और
तुम्हारे लिए एक जुगाड़ थी, एक तुम्हारे लिए एक रिस्क था, क्योंकि अगर तुमने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया स्प्लिंटर्स में आके, लेकिन तुम्हारा सबसे बड़ा रिस्क था जो भरोसा तुमने यहाँ पे डीजे सुर सर पे किया। तो ऐसा क्या, ऐसी क्या खास बात थी कि जो यहाँ पे तुमने भरोसा करके तुम्हारे पैसे लगाए? छोटे अमाउंट नहीं है, काफ़ी अच्छा अमाउंट है। और तुम ऐसे डीजेस लोगों को क्या एडवाइस करोगे जो इधर उधर भागते रहते हैं, जो 5-10 हज़ार रुपया बचाने के लिए इधर उधर भागते, दूसरे जगह जाकर ट्रेनिंग देते हैं, ऐसे डीजेस लोग के लिए तुम क्या एडवाइस करोगे? और सबसे पहले ये बताओगे कि यहाँ पे स्प्लिंटर्स में तुमने क्यों ज्वाइन किया, क्या खास बात थी जो यहाँ पे तुमने फैसला किया कि मैं यहाँ पे, मेरे पैसे काफ़ी अच्छी जगह पे लग रहे हैं? सर देखिए, जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पर आया था, यहाँ आने से पहले से मेरा डिसीजन था कि मुझे आपसे सीखना है, बिकॉज मैं बचपन से आपका म्यूजिक सुनता हुआ आया हूँ एंड आपका म्यूजिक काफ़ी मुझे पसंद भी था। तो मेरा एक ये था कि मैंने आपके पास से मुझे सीखना है, बट मुझे भी पॉसिबिलिटी थी कि मैं मार्केट में किसी और के पास जा सकता, बट मैंने जब एनालाइज किया मार्केट में, सो लोगों का ऐसे एक बैच में 6-7 लोग किसी को अटेंशन नहीं मिलता प्रॉपरली। आयल जी, कोर्स कैसा हो गया तुम्हारा? हाउ इज द कोर्स? कोर्स तो सर काफी अच्छा हुआ है एंड एज पर काफी सारे क्लासेस में होता है जो बस ऊपर ऊपर से सिखा दिया, बस यहाँ पर मुझे काफी सारी चीजें सीखने मिला। याद लगे डेन एंड डी एन डी 4500, ये प्लेयर मैं तकरीबन मैंने 6-7 साल पहले बजाया था, बट इसके पॉसिबिलिटीज मेरे को यहाँ पर आने के बाद और पॉसिबिलिटीज पता चली एंड दैट्स अ गुड थिंग कि अगर नेक्स्ट टाइम कभी अगर मुझे कुछ ऐसा हो जाए कि मुझे वो यूज़ करना पड़े तो मैं उसको अच्छे से यूज़ कर सकूँगा। अभी आप लोग के सामने मैंने विदाउट हेडफोन्स प्ले किया, अब कुछ अलग ट्राई करने जा रहा हूँ। क्या आप लोगों को पता है क्या है? एक रूमाल, नई चीज़ है, फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ, कुछ जल्दी हो गई तो सॉरी। आप लोग ने देखा होगा कि मैं विदाउट हेडफोन्स के मिक्स कर रहा था बिकॉज मुझे मेरे ट्रैक्स याद थे, बट अभी गाइस आप लोग देख सकते हो मैंने अपनी आंखों को कम्प्लीटली बंद कर दिया हूँ, नीचे से भी आप देख सकते हो कहीं से मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बस अभी इस जंग में सिर्फ मेरा सहारा एक ही होगा, ये हेडफोन्स, बिकॉज कुछ ना कुछ तो चाहिए यार मॉनिटरिंग के लिए। मुझे पता चले कि मैंने good one, you're doing good. दोनों फेडर नीचे लेना है, बॉस विनाइल मोड के साथ, विनाइल मोड दोनों में करके रख देता हूँ तुम्हारे लिए। जाओ ऊपर, जाओ और ऊपर और ऊपर और ऊपर, यस विनाइल मोड, यस गुड। We'll be right back.
दोनों पॉज लेना नीचे, विनाइल मोड पे दोनों है, दोनों पेडल एक साथ नीचे लेना है, स्लोली बहुत स्लो जाना, कम ऑन. Superb. जो डीजे आते हैं, जो पैसा देखते हैं, उनके ऐसे डीजे लोग के लिए तुम क्या एडवाइस करोगे कि उनको स्प्रिंटर्स में आना चाहिए? तुम क्या रिकमेंड करोगे, स्प्रिंटर्स में आना चाहिए क्या, उनको इंक्वायरी करने के लिए 10 जगह जाके देखना चाहिए? क्योंकि बहुत से डीजे लोग हैं यहाँ पे, अक्सर देखा गया है कि बहुत से डीजे लोग यहाँ पे थोड़े बहुत पैसे सोचते हैं, दूसरी जगह जाते हैं, रॉन्ग ट्रेनिंग करते, फिर वापस घूम फिर के वापस स्प्रिंटर्स में आते हैं. तो ऐसे डीजे लोग के लिए आप क्या एडवाइस करोगे? मैं सर देखिए पैसे उनके, मैं उनको एडवाइस लेकिन सिर्फ इतना ही कर सकता हूँ कि गाइज आप लोग आ रहे हो, पहले देखो आप किसके पास आ रहे हो. अगर आप दूसरे क्लासेस में आप लोग जाते हो, वहाँ पर पहले देखो कि आपके ऊपर कैसा ध्यान दिया जाएगा. पहले जो आपका फैकल्टी है उसका डेमो तो देखो, सामने वाला बंदा केपेबल है आपको सिखाने लायक. बिकॉज मैं यहाँ पर आया था, मुझे सुर सर के ऊपर पूरा भरोसा था, एंड मैं आया यहाँ पर, मैंने पैसों का मुँह नहीं देखा, एंड आज मुझे उसका रिजल्ट मिला है. मैं काफ़ी अच्छे से ट्रेंड हो चुका हूँ. बट जो लोग होते हैं, एंड काफ़ी सारे लोगों ने सर बोलना नहीं चाहिए, इस म्यूज़िक को एक धंधा बना दिया. काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट वाले करते हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, बट वो लोग करते लेते एक बैच में 7 से 8 स्टूडेंट होते हैं. लेकिन यहाँ पर मुझे एक चीज़ अच्छा दिखा कि सुर सर एक बैच में सिर्फ एक ही बंदे को लेते हैं, ताकि उस बंदे के ऊपर टोटली कॉन्सेंट्रेट कर सके, उसकी ट्रेनिंग अच्छे से कर सके. पर्सनल अटेंशन ट्रेनिंग आपको मिली है? हाँ सर. Wonderful, said, ladies and gentlemen, that was an upcoming talent, the future India's DJ, DJ Isle from Chamber. Isle ji, kaisa laga? Bahut maza aaya.
और अभी भी सर रुकने का दिल नहीं हो रहा था इतना. नहीं, लेकिन ये जो प्लेइंग करते हुए जो प्ले किया, दिस इज समथिंग रियली ऑसम सेट. मैं खुद ऐसे सेट प्ले नहीं करता हूं. ओके, वी विल हैव अ सम स्मॉल चैट विद यू आहिल जी एंड जनरली लेट्स चेक आउट व्हाट वी हैव फॉर यू टुडे. डीजे आहिल एंड गाइस, एक और एक चीज आप लोग देख सकते हो ना, मैंने हेडफोन्स यूज किए हैं ना कुछ, ना क्यूज है, ना हेडफोन्स कनेक्टेड है, जो भी होगा सब विदाउट हेडफोन्स. This was my set. ये आज मैंने आप लोग के सामने प्ले किया है एंड जो भी मैं सीखा हूँ सब ऑल द क्रेडिट गोज टू DjSchool. उन्होंने मुझ पे इतना ट्रस्ट रखा. जब यहाँ पर मैं आया था गाइस, लिटरली मैं सब तरफ से ये हो गया था, बिकॉज नहीं, इस बार आई एल माय वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड्स
उनके साथ में मैं कोप अप कर ही नहीं पा रहा था. नहीं नहीं, आयल जी हमारे बहुत ही खास स्टूडेंट है एंड हमने काफी मेहनत की है इसके पीछे एंड वी आर वेरी ग्लैड एंड आई कैन प्रिडिक्ट दैट ही इज वन ऑफ द फ्यूचर बेस्ट डीजे ऑफ इंडिया. विश यू द बेस्ट बेटा, हैव अ नाइस डे, वंडरफुल परफॉर्मेंस एंड आई थिंक सो यू आर द फ्यूचर चैंपियन एंड द फ्यूचर नंबर वन डीजे ऑफ इंडिया वेरी सून. बेस्ट ऑफ लक बेटा. थैंक यू वेरी मच सर. थैंक यू बेटा. आयल जी, हम चाहते हैं कि आने वाले दिनों में तुम एकदम रॉक ऑन डीजे बनो, इंडिया के टॉप डीजे बनो. ऑलमोस्ट तुम उस बॉर्डर पे पहुंच गए हो जहाँ पे मुझे लग रहा है कि सेलिब्रिटी स्टेटस तुम्हारे कदम चुने वाली है बहुत ही जल्द. तुम वो बॉर्डर पे पहुंच गए हो, वो टैलेंट है तुम्हारा. मैं चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में तुम बहुत अच्छे अच्छे डीजे कॉम्पिटिशन्स में भी पार्ट लो एंड वी फील दैट यू हैव द टेंडेंसी, यू आर द बेस्ट स्टूडेंट अब तक स्प्रिंटर्स के. ये जो 30 साल के सबसे बेस्ट स्टूडेंट्स जिसको मैंने खुद पर्सनली ट्रेन किया है and I think so you're one of the best students or one of the best good person also from heart and we wish you the best for the future beta. Have a good day, have a nice day. Thank you, best of luck for your career. Happy Eid Ayal ji, wish you the best once again. Well, people are gonna wait for you and everybody is watching you play up live. This is DJ Ayal playing the set on 150. It's gonna mix up some really great moves. Check him out, ladies and gentlemen, DJ Ayal. गाइस एक और एक चीज आप लोग देख सकते हो ना, मैंने हेडफोन्स यूज किया है ना, कुछ ना क्यूज है ना हेडफोन्स कनेक्टेड है, जो भी होगा सब विदाउट हेडफोन्स. ये ट्रैक काफी लोगों के बचपन में आप लोगों ने काफी सुना रहेगा, आज के टाइम पे वापस से ट्रेंड में आ रही है.
गाइस दिस वाज माय सेट, ये आज मैंने आप लोग के सामने प्ले किया है एंड जो भी मैं सीखा हूं सब ऑल द क्रेडिट गोज टू डीजे सुर नयाल जी. उन्होंने मुझ पे इतना ट्रस्ट रखा. जब यहां पर मैं आया था गाइस लिटरली मैं सब तरफ से ये हो गया था बिकॉज़ नहीं इज वन ऑफ आइल माय वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड्स. उनके साथ में मैं कोप अप कर ही नहीं पा रहा था. नहीं नहीं आइल जी हमारे बहुत ही खास स्टूडेंट है एंड हमने काफी मेहनत की है इसके पीछे एंड वी आर वेरी ग्लैड एंड आई कैन प्रिडिक्ट दैट ही इज वन ऑफ द फ्यूचर बेस्ट डीजे ऑफ इंडिया. विश यू द बेस्ट बेटा. हैव अ नाइस डे. वंडरफुल परफॉर्मेंस एंड आई थिंक सो यू आर द फ्यूचर चैंपियन एंड द फ्यूचर नंबर वन डीजे ऑफ इंडिया वेरी सून. बेस्ट ऑफ लक बेटा. थैंक यू वेरी मच सर. थैंक यू बेटा.